आखिर डॉक्टर्स ने क्यों छुपाई वाजिद की मां से उनके बेटे की मौत की खबर। मशहूर गायक और संगीतकार वाजिद खान का रविवार रात 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे काफ़ी समय से किडनी इन्फेक्शन की परेशानी से ग्रस्त थे और हॉस्पिटल में वे कोरोना पॉजिटिव भी थे। इसी वजह से उनकी हालत ज़्यादा खराब होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इनके यूँ चले जाने से इनके परिवार को बहुत बुरा सदमा लगा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरी समय तक हॉस्पिटल में इनका ख्याल रखने वाली माँ को डॉक्टर्स ने उनके प्यारे वाजिद की मौत की खबर छुपाई है। यहाँ तक कि सबको पता है कि वाजिद खान अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं डॉक्टर ने वाजिद की मौत की खबर उन्हीं की माँ को ना देने से वे अभी तक अपने बेटे की मौत से अनजान हैं। आपको भी ये जानकर हैरानी हुई होगी, पर ये सच है। आखिर क्यों माँ के लाडले वाजिद की मौत की खबर उन्हीं की माँ से छुपाई गई, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि परिवार में वाजिद अगर किसी के सबसे करीब थे तो वह है उनकी माँ, जो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वह हॉस्पिटल में अपने बेटे की देखभाल कर रही थी। पर बावजूद इसके जब वाजिद खान का निधन हो गया तो इनके निधन के बाद डॉक्टर ने इनकी मां से इनकी मौत की खबर छुपाई और सभी को इस बारे में जानकारी दी। यहां तक कि डॉक्टर्स ने उनके परिवार वालों से भी उनकी मां से वाजिद की मौत की खबर छुपाने को कही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनकी माँ इनका ख्याल रखते रखते कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इसलिए उन्हें जल्द ही क्वारंटाइन कर दिया गया और यही वजह रही कि डॉक्टर्स ने वाजिद की मौत की खबर इनकी माँ से छुपाई। क्योंकि डॉक्टर्स जानते थे कि अगर उन्हें इस बारे में पता चलता तो वे खुद पर काबू नहीं कर पाती और अपने बेटे से मिलने ज़रूर आती, जो उनके लिए और बाकी पेशेंट के लिए खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए उनसे वाजिद की मौत की बात छुपाई गई। यहाँ तक कि वे अभी तक इस बात से अनजान है कि उनका लाडला बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि एक माँ अपने बेटे का अंतिम विदाई भी नहीं देख पाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाजिद की मौत की खबर उनकी माँ से छुपाकर डॉक्टर्स ने ठीक किया या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही बॉयों से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।